जितने भी न्यू वेटनेरियन है जिन्होंने फील्ड शुरू कर दिया है, ठीक है, अब मेरे पास में बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि सर हमें लंफ ही देखने को मिल रहा है, हम उनका इलाज कैसे करें, कौन सी मेडिसिन उपयोग में ले, बेस्ट मेडिसिन कौन सी है, क्योंकि मैंने कईयों को ऐसे देखा है जो कि जो मेडिसिन उस पे वर्क ही नहीं कर रही है वो भी मेडिसिन उसको लगा रहे हैं। भाई एक तो पशु पहले भी तकलीफ में है, उसको ये डिजीज हुआ है, तो आप केवल वही मेडिसिन लगाए जो कि उस पे असर हो, उससे जो उस लम्फी है उसका असर हो, उसको जो है दर्द ना हो, उसके जो फोड़े है वो कम हो, ठीक है। तो मैंने ऐसे कई जो देखा है जो कि ऐसे ही मतलब इलाज कर देते हैं, ठीक है। तो जितने भी जो न्यू वेटनेरियन है यहाँ पर मैं टोटल मेडिसिन आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पशु आपके घर में, ठीक है, आपके गांव में जहां कहीं भी आपने फील्ड शुरू किया है तो आपको लम्फ ही देखने को मिल रहा है, तो जो मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूँ वो आप पशु को जरूर दे। देखिए थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 1-2 घंटे के अंदर ही आपको फर्क देखने को मिलेगा। जब आप देखिए फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, लम्फी में पशु के शरीर पर चकते बन जाते हैं, ठीक है ना, ये जो फोड़े से गुमटियां से निकल जाती है, और उसी के साथ में पशु का जो अगला पैर है या फिर पिछला पैर है उसमें आपको घुटने से नीचे सूजन दिखाई देती है, ठीक है, ऐसे लगा होता है जैसे कि पानी भरा हुआ है, ठीक है। पशु के जो है डिस्चार्ज होने लगता है, जैसे कि नाक से जो है डिस्चार्ज होने लगता है, जैसे एंड पशु एकदम सुस्त दिखता है, ठीक है। पशु अगर बैठा रहता है तो वो केवल बैठा ही रहता है, खड़ा है तो खड़ा ही रहता है, बैठने मतलब ये उसके सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको मेडिसिन बताता हूँ, उससे पहले एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपने फील्ड शुरू कर दी है, ठीक है, या फिर आपको अपने गांव में जहां कहीं भी ऐसी लम्फी स्किन डिजीज से ग्रसित गाय दिखती है तो आप कृपया करके उसका इलाज जरूर करें, ठीक है। अगर आपने फील्ड शुरू किया है, नहीं किया है, तो आप अपने नजदीकी अस्पताल में जाकर उनका इलाज करवाएं या फिर उनको कांटेक्ट करें, वो आपके गौशाला में घर पे जहां कहीं भी आवारा पशु है उसको भी अगर लम्फी स्किन डिजीज हुआ है तो भी आप उसे बांध कर उसका इलाज करवाएं, उसे टाइम पर जो है चारा पानी जरूर दे, ठीक है। क्योंकि अगर हम सभी का ये साथ रहेगा तो जितने भी हमारे राजस्थान में, ठीक है, लम्फी चारों तरफ फैल रहा है, लेकिन राजस्थान में जितने भी मेरे न्यू वेटनेरियन भाई जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो फील्ड में अभी काम कर रहे हैं, मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज गायों के लिए इससे बेस्ट आपको मौका कभी नहीं मिलेगा। मुझे पता है सोशल मीडिया पर कई ऐसे भाई, ठीक है, जो मेरे से भी बड़े बड़े हैं, जो कि गो भक्त है कैसे भी उनको आप कह सकते हो, लेकिन ये सबसे बड़ा मौका है, ठीक है, ये सबसे बड़ा मौका है गायों के लिए कुछ करने का, ठीक है। तो चलिए मैं आपको मेडिसिन बता देता हूँ। लम्फी स्किन में जब भी हम जो है केस देखने जाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है पशु का टेम्परेचर लेते हैं, और टेम्परेचर पशु का हाई आता है, ठीक है, पशु का टेम्परेचर हाई आता है तो आपको यूज करना है मेलोनेक्स, यानी मेलोक्सिकेम प्लस पेरासिटामोल, ये आपको जरूर यूज में लेना है, ठीक है। कितनी डोज है वो भी मैं आपको बताऊंगा, मेलोक्सिकेम की कितनी डोज लेनी है। अगर छोटा पशु है, ठीक है, देखिए बॉडी वेट के अनुसार ही आपको सभी चीजें देनी है, ठीक है, कोई भी ऐसा ना हो, ठीक है, अगर आपको ज्यादा डोज लग जाती है तो भी मैं बताऊंगा आपको कौन सी डोज इनके साथ में और देनी है, ठीक है। तो ये जो मेलोक्सिकेम, एक आता है केवल मेलोक्सिकेम और ये है मेलोक्सिकेम प्लस, तो देखिए लम्फ में टेम्परेचर हाई आता है तो आपको जो मेलोक्सिकेम प्लस है यही आपको पशु को देना होगा, क्योंकि इससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि इससे टेम्परेचर जो है वो सामान्य हो जाएगा अगर आप जो है 2 से 3 दिन लगातार उसका ट्रीटमेंट करोगे, ठीक है। उसके बाद में क्लोरफेनिरमाइन मेलेट, ठीक है ना, सीपीएम, सीपीएम आपको पशु को जरूर देना है, ठीक है। जितने भी मेरे न्यू वेटनेरियन भाई हैं, ठीक है, देखिए पशु को सीपीएम, मेलोक्सिकेम ये आपको इंट्रा मस्कुलर देने, ठीक है, उसी के साथ में एंटीबायोटिक, ठीक है। एंटीबायोटिक के तौर में मेरे पास में ऐसे कई कमेंट आते हैं कि बॉस एंटीबायोटिक के रूप में कौन सी जो है हम दे, कौन सी मेडिसिन दे, तो देखिए एंटीबायोटिक रूप में आप डीसीआर दे सकते हो, डीसीआर इज बेस्ट, ठीक है, इस लम्फी में डीसीआर बेस्ट है, आप डीसीआर जो है दे सकते हो। डीसीआर के साथ में अगर आप डीसीआर नहीं है आपके पास में, और अगर आपके पास में एनाल्जिन है, ठीक है ना, अगर आपके पास में एनाल्जिन है तो आप एनाल्जिन भी दे सकते हो। इसका आप देखिए एनाल्जिन क्या है, दर्द निवारक है, पशु को घूमड़िया हो रही है, पशु बैठा रह रहा है, ठीक है, तो आप एनाजिन दे सकते हो, बेस्ट इसमें होता है। लम्फी होने के बाद में पशु जो है दुग्ध उत्पादन भी कम हो जाता है, ठीक है,
एंड पशु जो है खड़ा नहीं हो पाता है, पशु कुछ खा नहीं पाता है, तो इसीलिए ट्राइबी वेट, ठीक है, जो ट्राइबी वेट आता है वो ट्राइबी वेट आप जरूर दे, ठीक है ना, पशु को, ठीक है, B1, B6, B9 और B12, ठीक है, ये आपको मेडिसिन पशु को जरूर देनी, क्योंकि इससे क्या होगा, एक तो पशु को एनर्जी मिलेगी, उसी के साथ में पशु की जो नर्वस सिस्टम है वो भी अच्छा जो है प्रभाव करेगा, पशु को ऐसे होश रहेगा। देखिए लंपी में कई ऐसी गायें हैं जो कि एक तरफ बैठी रहती है, ना ही तो कुछ चारा खाती है ना ही पानी पीती है। अगर आप बी कॉम्प्लेक्स देना चाहते हो, ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स देना चाहते हो, बेलामाइन देना चाहते हो तो भी आप दे सकते हो। बेलामाइन जो है उसके नर्वस सिस्टम को, उसके भूख बढ़ाने में, ठीक है, लिवर एक्सटेंड, उसके जो है रूमन की गतिविधि को तेज करने, यानी अगर उसकी रूमन की गति कम हो गई है, ठीक है, खाना वगैरह वो सही तरीके से नहीं खा रही है, तो ये बी कॉम्प्लेक्स भी आप उसको दे सकते हो, ठीक है। लेकिन एंटीबायोटिक आपको एक ही देनी है, ऐसा ना हो कि आप दो या तीन एंटीबायोटिक, एक से अधिक एंटीबायोटिक का उपयोग ना करें, ठीक है। उसी के साथ में मैं आपको कुछ और औषधियां भी बताना चाहता हूँ, ठीक है, इतना वीडियो आपने देखा है, ठीक है, तो आपके बाड़े में, ठीक है, लंफी स्किन डिजीज से कोई भी पशु ग्रसित है ना, तो उसको देखिए पहले तो सभी पशुओं से अलग कर देना है, जितने भी आपके बाड़े में गाय भैंस भेड़ बकरी है उन सभी से आपको अलग कर देना है, ठीक है। छायादार होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, ठीक है, वहां पर साइपरमेथ्रिन जो आता है कीड़ों का, जो मक्खियों का आता है, उसका छिड़काव करो, ठीक है, सुबह शाम हो सकता है तो, ठीक है, डोज मैंने आपको बता रखी है कितनी, वो वीडियो आप देख लेना। एंड उसी के साथ में पशु को फिटकरी का जो पानी होता है, ठीक है, उससे नहलाओ, अच्छी तरीके से उसको नहलाओ, अच्छा उसको चारा वगैरह दो, उसको समय समय पर पानी दो, ठीक है, क्योंकि केयर आपको करनी होगी। अगर आप केयर नहीं करोगे तो पशु को देखिए, हमारे क्या होता है, अगर कोई मनुष्य में भी डिजीज हो जाता है तो हमें केयर करनी होती है, तो ये तो गौ माता है तो आपको इतनी केयर तो इसकी करनी होगी। मैंने ऐसे भी देखा है, कई ऐसे लोगों को देखा है जो कि डिजीज होने के कारण गायों को घर से बाहर निकाल देते हैं। प्लीज ऐसा मत करो, आप एक समय आएगा जो आप अभी कर रहे हो वो कुछ टाइम पहले हमारे साथ में हुआ था, आपने देखा होगा कोरोना के टाइम में, ठीक है, कोरोना के टाइम में हम इस प्रकार से हो गए थे, कुछ ही पता नहीं था, कितने लोग मर रहे थे, कितने ग्रसित हो रहे थे, और ये अभी इन जानवरों में है, ठीक है, तो इनका ये ऐसा नहीं है कि ये जोनोटिक डिजीज नहीं है, पशुओं से मनुष्य या मनुष्य से पशुओं में फैलने वाला रोग नहीं है। तो अगर आप हाथों में ग्लव्स वगैरह मास्क वगैरह पहन के, ठीक है, एंड उपचार करने के बाद में सैनिटाइज वगैरह का भी उपयोग कर सकते हो, लेकिन पशु की केयर जरूर करें, आपकी एक छोटी सी मदद उस पशु को बचा सकती है। तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि जितने भी आसपास के पशु हैं, ठीक है, आप अच्छे अगर गो भक्त है, ठीक है, सोशल मीडिया पे मैंने देखा है 90% गो भक्त है, लेकिन जो दिल से गो भक्त है ना वही ये ट्रीटमेंट, ठीक है। मेडिसिन की बात करूं तो आपको नजदीकी जो पशु चिकित्सालय वहां पर आप पर्ची बनवाइए, ठीक है, निःशुल्क आपको दिया जाएगा, ठीक है, या फिर आप पशु चिकित्सालय ला सकते हो, ठीक है, तो आप वहां पर भी पशु का निःशुल्क इलाज करवा सकते हो, आपसे पर्ची के भी पैसे नहीं लिए जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने साथियों के साथ में शेयर जरूर करें, ताकि सभी को ये पता चले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।